हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। टुडे हम यहाँ एक वाटर बॉडीज़ के पास आए हैं बिकॉज हमें ये कुछ एल्गीज, सेलोफाइट्स, इन सब की कलेक्शन के लिए हमें हमारी मैम ने लाया है यहाँ पे। एंड एज वी ऑल नो दैट बॉटनी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स की स्टडी होती है। तो मेनली प्लांट्स यहाँ पे वाटर बॉडीज़ के पास आए हैं, तो वाटर वाले प्लांट्स ही, एक्वेटिक प्लांट्स को हम यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आए हैं, जिनकी कलेक्शन हमें करनी है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे आए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू अवर बॉटनी डिपार्टमेंट एंड स्पेशली टू रानी मैम फॉर दिस टूर, थैंक यू। सी फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। आज COVID-19 के बाद हमें पहली बार मौका मिला है यहाँ आने का। हम यहाँ पे रिवर के पास आए हैं अलगा की कलेक्शन करने के लिए। तो ऑल थैंक्स टू रानी मैम, इन्होंने हमें यहाँ तक लाया। बाकी पूरी बॉटनी के डिपार्टमेंट का थैंक्स कि हम पहली बार यहाँ पे आए और ऐसे पेंडेमिक COVID-19 के पेंडेमिक में यहाँ इस टाइम पे परमिशन लेनी भी बहुत मुश्किल थी। थैंक यू प्रिंसिपल सर के लिए भी जिन्होंने हमें यहाँ आने दिया। तो हम यहाँ पे आए हैं अलगा के कलेक्शन के लिए। एज वी ऑल नो डैट ड्यू टू अराउंड 2 ईयर्स वी हैव अ ग्रेट लॉस्ट ऑफ स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट एंड वी डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट इन लैब। सो टुडे वी आर हेयर फॉर द कलेक्शन ऑफ एल्गी एंड थैलोफाइट्स इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। एंड वंस अगेन आई थैंक्स टू रानी मुगल मैम एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ बॉटनी टू ऑर्गेनाइज द टूर फॉर अस। अर्ज़ करना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता सालों से लॉकडाउन, जो 1-2 साल से हमारा प्रैक्टिकल वर्क, क्लास वर्क जो है ऑनलाइन रहा, जिसकी वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें हमारी ये कोशिश थी कि semester 1 के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में जो थैलोफाइट्स हैं, प्राइमरली एल्गी, फंगाई और ब्रायोफाइट्स, उनको हम यहाँ बच्चों को इस एक्वाटिक हैबिटेट के नज़दीक ला के उनकी कलेक्शन करवाएँगे। और ये बहुत ही सक्सेसफुल आज का हमारा जो विज़िट रहा, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने बच्चों को यहाँ पर टूर पर लाया है एल्गी कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें परमिशन दिया, जिसकी वजह से हमने ये टूर लाया है। साथ साथ में हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रानी मुगल जी ने, उन्होंने पूरी कोशिश की है और पूरा जो है तावन दिया है यहाँ पर बच्चों को यहाँ लाने के लिए। और उसके बाद हमारे कॉलेज का जो semester 1 के सिलेबाई में ये एल्गी की एक यूनिट है, वहाँ पे हमारे पास पूरा मेंशन है, जितना भी हमारे पास माइक्रो एज वेल एज माइक्रो स्पीसीज ऑफ एल्गी की, हमने इनको वहाँ प्रैक्टिकल भी करवाने हैं। और साइड बाय साइड पे पहले हमारे पास लॉकडाउन था, तो बहुत सारा हमारा ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाए ऑफलाइन टाइम पर। अब ऑफलाइन में बच्चे हमारे पास, हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो बच्चों को यहाँ पर लाया है हमने। तो यहाँ पर वाटर बॉडी में हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, लेंटिक वाटर बॉडी भी है और लोटिक वाटर बॉडी भी है। तो हमारे पास कुछ माइक्रो स्पीसी जो एल्गी की हैं उनकी हमने कलेक्शन की है बच्चों ने, तो वो जाके हम लैब में जाके माइक्रोस्कोप में बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हमारे यहाँ पर लोकल रीजन में कौन कौन सी स्पीसीज एल्गी की प्रेजेंट हैं। साइड बाय साइड हमारे पास कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि मैक्रो एल्गी कहेंगे, जिसमें हमारे पास हाइड्रोडिक्टियन है, कुछ हमारे पास करा की स्पीसीज हैं, वो नेगड़ाई से भी विजिबल हैं, वो भी बच्चों को हमने बताई हैं और बच्चों ने वो कलेक्ट की हैं। कलेक्ट करने के बाद जो है अब जाके हमने लैब में पूरे का पूरा जितना भी यहाँ पर कलेक्शन की है, हम एक इन्वेंट्री बनाएंगे कि हमारे लोकल वाटर बॉडी में यहाँ पूंछ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्पीसीज एल्गी की प्रेजेंट है,